हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ताज़ा फूल गोभी सर्दियों की पहली सब्जी है जो दिमाग में आती है ये फूल गोभी छोटी और बड़ी सभी को पसंद आती है और दही गोभी एक लोकप्रिय रेसिपी है जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं तो आइए आज हम दही गोभी की रेसिपी के बारे में चर्चा करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो फूलगोभी लिया है इनको देखिए मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर धो लिया है अब मैं यहाँ पर तीन बड़े चम्मच दही दे दूँगी देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे फूल गोभी के साथ इसको फिर दस मिनट के लिए रख देंगे अब एक कढ़ाई में दे दूँगी दो बड़े चम्मच तेल तेल को गर्म होने देंगे अब मैं दे देंगे हाफ स्पून हींग उसको हल्का फ्राई कर लेंगे अब यहाँ पर ऐड करेंगे एक प्याज का पेस्ट इसको फ्राई कर लेंगे हल्का पिंक होने तक इसमें मैं ऐड करूँगी दो बड़े चम्मच झिजर गाली का पेस्ट मसाले की स्मेल ज्यादा उसको फ्राई कर लेंगे यहाँ पर मैं ऐड करूँगी वन स्पून चीनी वन स्पून नमक इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ मिक्स करने के बाद एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे अब मैं आप दे दूँगी मैरिनेट किए हुए फुल गोभी को देखिए मसालों को अच्छे से मिक्स करके दो से तीन मिनट तक फ्राई कर लेंगे आप चाहे तो इस रेसिपी को देसी घी से भी बना सकते हैं खाने में और भी स्वादिष्ट लगेगा यहाँ पर मैं अब ऐड करूँगी एक ग्लास पानी पानी को फूलगोभी के अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो चुका है उसको ढक के हम तब तक कुक करेंगे जब तक फूलगोभी अच्छे से कुक ना हो जाए तो फ्रेंड्स फूलगोभी अच्छे से कुक हो चुकी है मैं यहाँ पर दे दूँगी अब गरम मसाला इसके लिए मैंने यहाँ पर सनराइज़ का गरम मसाला यूज़ किया है इसे ऐड करने के बाद खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है सो मैं दे, दे देंगे एक से दो चम्मच गरम मसाला देख के अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मैं ऐड करूँगी वन स्पून घी उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सो फ्रेंड्स बन के तैयार हो चुके हैं हमारी दही गोभी की रेसिपी इसे आप लोग घर में बना के जरूर ट्राई कीजिएगा खाकर बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आप सभी को दही गोभी की रेसिपी को आप चाहे तो गर्म गर्म चावल चपाटी रोटी किसी के भी खा सकते हैं खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है सो so फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो सबको अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए